राहत के बाद देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यही नहीं, दिल्ली, मुंबई, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लगभग दो साल के बाद दिल्ली NCR में स्कूलों को खुले अभी चंद दिनों ही बीते हैं, लेकिन दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे, जिसके बाद कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद के छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से राहत मिलने के बाद लगभग दो साल बाद इसी महीने की 1 तारीख को दिल्ली NCR में स्कूल खोले जाने लगे हैं। छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों ने भी खूब जोश के साथ बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, लेकिन स्कूल खोले जाने के बाद से ही यहां संक्रमण के मामले आने लगे। बीते मंगलवार को यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में 2 प्राइवेट स्कूलों के 3 छात्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी और अब तक 3 टीचर्स सहित कुल 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।